जो 45 लोग शहीद हुए हैं, अपने जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी, उसमें अपने आसाम का भी एक सपूत मानेश्वर बसुमत्री भी शहीद हुआ है। मानेश्वर जी और उनके साथी 44 शहीदों को हम सब हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारों के प्रति शोकांजलि प्रसिद्ध करते हैं। मित्रों, ये कायरतापूर्ण हमला जो पाकिस्तान ने किया है, पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया है, सीआरपीएफ के 45 जवानों का जिसमें मृत्यु हुआ है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। क्योंकि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस बार केंद्र में आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। और नरेंद्र मोदी सरकार देश की सुरक्षा के बारे में किसी भी प्रकार का समाधान नहीं करती है। अगर कोई ये मन में सोच कर बैठा है कि एक हमला कर दिया, अचानक कायरतापूर्ण हर हमला कर दिया, 45 लोग हमारे मारे गए, हमारे जवान शहीद हुए, ये लड़ाई आप जीत जाओगे? चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या कश्मीर, आतंकवाद को हम मूल समेत उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति आतंकवाद को खत्म करने की विश्व के सभी नेताओं में सबसे प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति आतंकवाद के सामने लड़ने की अगर कोई एक नेता में है, तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी में है।